नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे इयत्ता दहावी हिंदी लोक आपण विचार करतो जो ऐंशी मार्कांचा पेपर असणार आहे आणि हिंदी लोकवाणीसुद्धा आपण लोकवाणीवरती सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत आणि ऑलरेडी काही व्हिडिओ बनवल्यात त्या जर व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या दुसऱ्या चॅनलची लिंक दिलेली आहे त्याच्यावरती तुम्हाला लोकवाणी लोकवाणी जे विद्यार्थी लोकवाणीची परीक्षा देणार लोकवाणी पेपर देणार आहे चाळीस गुणांचा त्यांच्यासाठी दुसरा युट्यूब चॅनल आपलाच आहे त्यावरती मीच व्हिडिओ बनवतो ज्याची लिंक या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे त्या लिंकवर क्लिक करून दुसऱ्या चॅनलवर जाऊन लोकवाणीच्या व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता तर या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करतो मित्रांनो विषय हिंदी पठित गद्य मित्रांनो या गद्येमध्ये आठ मार्कांचे प्रश्न आहे कारण आठ आणि आठ आपल्याला दोन या ठिकाणी पॅसेज येतात आठ जुने सोळा मार्क हातातले आहेत तिथे सगळ्यांना सोळापैकी सोळा मार्क पडू शकतात कसे पडू शकतात त्यासाठी आपण काय करायचं कशा प्रकारचे नेमके प्रश्न इथे विचारले जातात या सगळ्यांवरती आपण डिटेल्समध्ये चर्चा करू आणि दिवसभरामध्ये आज भरपूर साऱ्या हिंदीच्या लोकभारतीच्या व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील जेणेकरून तुमची हिंदी विषयाची संपूर्ण तयार होईल ओके जाऊयात पुढं पुढे जाण्याच्या अगोदर नेहमीप्रमाणे मी एक रिक्वेस्ट करेल नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अजूनपर्यंत आपला चॅनल नसेल सबस्क्राईब केला तर प्लीज आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबा जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या नवीन प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल बघा मित्रांनो विषय हिंदी आहे आता या ठिकाने अपन जाऊत पहला मुद्दा बगा प्रश्न एक अ और आ पठित गद्यांश के ऊपर आधारित रहता है देखिए प्रश्न क्रमांक अगर हमने देखा अ और प्रश्न क्रमांक आ ये दोनों जो क्वेश्चन जो है वो पठित गद्यांश के ऊपर आधारित रहते हैं एक जो है वो आठ अंक के लिए रहता है और दूसरा पैसेज जो है वो भी आठ अंक के लिए रहता है ऐसे टोटल हमारे सोलह अंक जो है वह पठित गद्यांश के ऊपर आधारित रहते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहली चा, बात चार बात देखिए चार कृतियाँ रहती है हमारे यहाँ तो चार कृति में से जो पहली कृति है अ अ एक और आ एक ओके इसमें आकलन कृति हमें ये जो पठित गद्यांश है उसका आकलन कितना हुआ है उसके आधार पर ये सवाल रहता है और दूसरी जो चीज है दूसरा जो कृति जो है वह भी आकलन कृति रहती है जिसमे को, चार्ट दिया जा सकता है एक वाक्य में उत्तर लिखो या फिर संजाल कीजिए इस तरह के सवाल रह सकते हैं ओके संजाल पूरा कीजिए जे म्हणजे अशा प्रकारे चौकटी वगैरे भरा आपण मागच्या वर्षी बघितलं होतं चौकटी पूर्ण करा वगैरे अशा प्रकारचे प्रश्न इथं विचारले जाऊ शकतात ठीक आहे त्यानंतर इथे बघा पुढे कृती अ जी आहे कृ तिसरी जो कृती आहे तिसरी शब्दसंपदा आधारित रहते जिसमे याच्यामध्ये काय असतील विरुद्धार्थी शब्द समानार्थी शब्द अशा प्रकारे आपल्याला शब्दसंपदा जी आहे ती तुमची किती आहे वॉकेब्लेरीवरती आधारित हा प्रश्न असणार आहे आणि चौथा जो आहे तो सोमत किंवा अभिव्यक्ती तो म तर मला काय वाटतं की हे दोन 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 इथं दोन मार्क दोन 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 हे सहा मार्क हातातले असतात हे खूप सोपे प्रश्न असतात आपण प्रत्यक्षात एक पॅसेज बघूयात आणि या दोनपैकी तुम्हाला एक तरी मिळू शकतो म्हणजे सहा आणि एक सात मार्क एका पॅसेजचे दुसऱ्या पॅसेजचे सात सात दोन चौदा मार्क सोळापैकी पैकी तुम्हाला कसेही पडतील कमीत कमी चौदा काही मुलांना सोळापैकी सोळा सुद्धा पडू शकतात तर आता आपण प्रत्यक्षात एक पॅसेज बघू आणि त्यावरच्या प्रश्नांची उत्तरं कशी विचारली जातात बोर्डाला ते आपण बघूयात ओके आणि तुम्ही सुद्धा पॅसेज पूर्ण समजून घ्या आता बघा मित्रांनो इथं काय दिले निम्नलिखित पठित गद्यांश पर गद्यांश पडकर के अनुसार कृतीया कीजे ये हे देखील गद्यांश हे रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली तो ये जो रमजानी जो है इसने क्या किया करामत जो है उसके चेहरे के ऊपर के भाव जो है ना उसने भापा भाव भापते हुए बोली क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो क्या बोल रही थी कि बाबा का, यह भी क्या तरीका है आने वाले को दुत्कार कर भगा देने का तुम जानती हो वह कौन है करामत अली ने कटु स्वर में कहा क्या तुम जानती हो वह कौन है करामत अली ने कहा वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे क्या कहा कर मतलब करामत ने क्या कहा कि वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी मतलब ये लक्ष्मी को कसाई के पास लेके जाना वाला था जो आदमी आया था वह ओके मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा ओके उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी रात काफी निकल चुकी थी सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया कुछ देर के बाद करामत अली ने चार पाई छोड़ी मतलब सवे सवेरे देर तक वह लेटा गया फिर सवेरे उठने के बाद उसने क्या किया चारपाई छोड़ी फिर उसने मुंह हाथ धो लिए घर से बाहर निकल पड़ा फिर वह लक्ष्मी के गले से बांधी रस्सी खूटे से खोली मतलब रस्सी जो बांधी थी लक्ष्मी के गले को वह खूटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा और लक्ष्मी को कहाँ ले जाने लगा गले से बाहर ले जाने लगा मतलब सुबह उठने के बाद उसने क्या क्या किया एक तो चारपाई खोली मुँह हाथ धोए बाहर निकल पड़ा रस्सी जो है वह खूटे से जो बांधी थी उसे खोली और गली से बाहर लेके जाने लगा किसको लक्ष्मी को रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी रमजानी कहा थी दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे पर खड़ी रहकर यह सब देख रही थी बोली इसे कहा ले चले करामत अली ने कहा जहां इसकी किस्मत में लिखा है ओके वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला लक्ष्मी चल अरे गौशाला देखो कहाँ लेके जा रहा है लक्ष्मी को गौ लक्ष्मी को गौशाला गौशाला यहाँ से दो किलोमीटर दूर है मुझे तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा वहाँ इत्मीनान से रहना वहाँ तू हमारे घर की तुलना में बहुत मजे से रहेगी भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी होगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होगे मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा ओके देखने के लिए आया करूँगा तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने कहते हुए करामत अली का गला भर आया उसकी आंखों में से आंसू उतर आए चल लक्ष्मी चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा तो यह एक पैसेज था तो ये जो पद्यांश गद्यांश था तो इसे पढ़ने के बाद हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं देखो सवेरा होने पर करामत अली ने यह किया क्या क्या किया देखो यहाँ दिख रहा है एक तो सुबह सवेरा होने के बाद चारपाई छोड़ी हाथ मुँह धोए बाहर निकल पड़ा रस्सी खूटे से खोली और लक्ष्मी को घर से बाहर लेकर आया ओके तो देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ तो मेरे पास आंसर है चारपाई छोड़ी हाथ मुँह धोया लक्ष्मी की रस्सी खोली उसे गली से बाहर लेकर आया या फिर लक्ष्मी को गली से बाहर लेकर आया ऐसा अगर लिखा तो हर एक राइट आंसर को हमारे पास आधा 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 मार्क है तो ये जो संजाल अगर आप पूरा करते हैं ठीक तरह से तो आपको यहाँ दो में से दो मार्क्स मिलते हैं तो ये जो सवाल है बहुत ही आसान था जहाँ आपको दो में से दो मार्क्स मिल सकते ओके आगे देखिए आकलन कीजिए देखिए एक एक शब्दों में हमें उत्तर लिखना है रमजानी ने किसके चेहरे के भाव भापे किस किसके चेहरे के भाव भाके भापे तो यहाँ तो दो ही लोग हैं देखिए अगर आपने देखा तो यहाँ तो मुझे दो ही लोग दिखे एक तो रमजानी दिखी है करामत दिखा है और रमजानी दिखी है दोनों है तो, तो देखो कहा रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली तो किसके करामत के चेहरे के ऊपर के भाव यहाँ उसने भापा है तो यहाँ क्या आएगा आंसर करामत करामत ओके okay, करामत यह है, जो है राइट आंसर है और उसके बाद रमजानी कहा खड़ी लक्ष्मी के लक्ष्मी को बाहर ले जाकर देख रही थी तो दरवाजे पे खड़ी थी मैंने कहा दरवाजे पर खड़ी थी दरवाजे पर खड़ी थी दरवाजे पर दरवाजे पर खड़ी थी और वहां वह से वो देख रही थी टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिकेगी तो उसमें है कि लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर बिकेगी भिक, ये लक्ष्मी गाय है शायद करामत अली ने लक्ष्मी को भर्ती किया कहा भर्ती किया गौशाला में भर्ती किया गौशाला में भर्ती किया तो ये जो सवाल है उसके आंसर जो है देखिए करामत अली के चेहरे के भाव भाप लिए उसके बाद जो है दरवाजे पर खड़ी थी ने टुकड़े टुकड़े होकर लक्ष्मी बिकने वाले थी करामत अली ने लक्ष्मी को कहा भर्ती किया तो गौशाला में भर्ती किया तो ये भी आपके जो दो मार्क्स है ये भी हाथ में के एक एक वाक्य के वाक्य में आपको उत्तर लिखना है और जो कुछ पैसेज है उसी में ही उत्तर होगा सभी का आंसर जो है होगा आगे देखिए शब्द संपदा देखिए यहाँ क्या करना था आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखना है दोस्त का दुश्मन होता है रात का दिन होता है सवेरा का सांझ होता है और बाहर का भीतर होता है तो ये जो कुछ चीज़ें है अंदर भी लिख सकते हो ओके शब्द संपदा है तो ये भी आसान है हर एक सही जवाब को आपको आधा 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 मार्क्स मिल सकता है तो इस तरह से आपके ये दो मार्क्स हो चुके हैं तो ये भी दो मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं अभी अगला एक सवाल जो रहता है जिसमें क्या है कि यदि आप करामत अली के जगह होते यदि आप करामत अली के जवाब जगह होते इस संदर्भ में मैं अपने विचार लिखे देखिए करामत यदि मैं करामत अली के होता जगह होता करामत अली एक अच्छा इंसान था जिसने अपने गाय को लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया ताकि उसे, उसे उसे कसाई के हाथ नहीं बेचा उसको अपने गाय से प्यार था अगर मैं करामत अली के जगह होता तो करामत अली ने जो किया उसी तरह से मैं करता अपनी को मैं गौशाला में ही लेके जाता देखिए प्राणी जो है रहते हैं तो आप एक्चुअली आप अपने भाषा में इसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ एक आंसर है करामत अली दोस्त को दिए गए वचन को निभाने वाला और पशु की पीड़ा समझने वाला इंसान है यदि करामत अली की जगह में होता तो मैं भी वह करता जो करामत अली ने किया जबकि हम पशु को पालते हैं उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है यदि मेरे सक्षम करामत अली जैसी स्थिति या फिर आर्थिक संकट उत्पन्न होता तो मैं अपनी पालतू पशु को भूखा मरते देख उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर भी बेचने के स्थान पर मैं भी बेचने के स्थान बेचने के स्थान पर मैं भी उसे किसी अच्छे पशु घर या फिर गौशाला में दाखिल करता तो मतलब उसे कसाई के हाथ में नहीं बेचता उसे अच्छे गौशाला में दाखिल करता पशुघर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता है इससे मुझे बहुत संतोष होता तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये जो कुछ हमने देखा पठित गद्यांश बहुत ही इजी था आठ गुणों के लिए आठ अंक के लिए दोस्तों ये दो पठित गद्यांश आते हैं प्रश्न क्रमांक का जो हमारे पास एक अ है और आ है ये पूरी तरह से आठ और आठ अंक हमें मिल सकते यहाँ और आठ और आठ सोलह अंक का ये जो भाग रहता है जिसमें विभाग रहता है जिसमें हम सोला मेसेज सोलाम गुण पाहते अंक पा सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि पठीद भगित लग की पठित गद्यांश म्हणजे आपण बघितलं की प्रकारे या पाठ्यपुस्तकातील उतारावर आधारित प्रश्नांची उत्तर प्रश्न येतात आणि त्याची उत्तर आपण कशी लिहू शकतो नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबा जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट हिंदी आणि इतर सर्व विषयांच्या नोट्स आपण बनवलेल्या आहेत मित्रांनो या नोट्स तुम्ही कुठून कशा डाउनलोड करू शकताय ते तुम्हाला आता मी सांगतो ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही इयत्ता दहावीला असाल आणि इयत्ता दहावीच्या सगळ्या विषयांच्या नोट्सच्या पी डी एफ तुम्हाला हव्या असतील दोन हजार तेवीसची जी बोर्डाची परीक्षा आहे त्या अनुषंगाने सगळ्या विषयाच्या इम्पॉर्टंट पी डी एफ हव्या असेल तर काय करायचं आहे फक्त एकच टाईप करायचं आहे इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स एवढं तुम्हाला या ठिकाणी टाईप करायचं आहे बघा इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स हे आपल्याला गुगलवर जाऊन टाईप करायचं आहे बघा नीट परत लक्षात घ्या इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स एवढं टाईप करून गुगल सर्च करायचं आहे गुगल सर्च केल्यावरती बघा इथं खाली जर तुम्ही आलात तर इथं बघा तुम्हाला एक आपली क्रिएटिव्ह लर्निंग डॉट को डॉट इन ही वेबसाईट दिसेल यावरती इथं बघा इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे ज्यावेळेस यावर क्लिक करू त्यावेळेस तुम्ही आपल्या व वेबसाईटवरती याल अशा प्रकारे आणि वेबसाईटवरती आल्यानंतर बघा इथं तुम्हाला मराठीच्या नोट्स दिसतील मराठीवर क्लिक केल्यावर मराठीच्या नोट्स घ्या हिंदीवर क्लिक केल्यावर हिंदीच्या डो नोट्स मिळतील इंग्रजीवर क्लिक केल्यावर इंग्रजी गणित विज्ञान इतिहास राज्यशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र आणि बोर्डाच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही जिथं क्लिक कराल ते तुम्हाला पाहायला मिळेल तर आत्ता लगेच जा मित्रांनो आपल्या गुगलवरती जा आणि टाईप करा इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स आणि क्लिक केल्यावर तुम्ही त्या पीडीएफ फाईल ज्या आहेत त्या डाउनलोड करू शकता सगळ्या ओके थँक्यू मित्रांनो